मॉडर्न इंडिया में हम आज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को शुरू करने जा रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस और गांधी का जो रोल था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए हम कांग्रेस की स्थापना से इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1875 को एक अंग्रेज अधिकारी एवं ग्रुप द्वारा की गई थी, लेकिन हम देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कोई यकायक नहीं हुई। इसकी स्थापना से पूर्व का एक लंबा इतिहास है, उससे पूर्व अनेक स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर संगठन बने और उन संगठनों का ही विस्तृत रूप था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व वो कौन कौन से संगठन थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे बंगाल में बंग भाषा प्रकाशन सभा पहली जो संगठन बना, बंग भाषा प्रकाशन सभा 1836 में बना। लैंड होल्डर सोसाइटी, ये भी जो जमींदार वर्ग था उनका 1838 में एक बार बनाया गया। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में बनी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1852 में बना। नेटिव एसोसिएशन 1852 में बना। इंडियन एसोसिएशन और इंडियन लीग 1873 में बना। इंडियन एसोसिएशन 1876 में बना। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने बनाया। ये कांग्रेस की स्थापना से पहले का सबसे बड़ा संगठन था इंडियन एसोसिएशन, और इस इंडियन एसोसिएशन का ही विस्तृत रूप जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है ना, इंडियन एसोसिएशन तक। इसलिए कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारतीय जो युवा है, भारतीय जो जनता है, भारतीय जो शिक्षित वर्ग है, बौद्धिक वर्ग है, वो इससे पूर्व अनेक ऐसे संगठन बना चुका है स्थानीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर, जिसके पश्चात ही उनके लिए ये जरूरी हो गया था कि कोई ऐसा राष्ट्र लेवल का एक बहुत बड़ा संगठन हो जिसमें संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व हो। ठीक है ना, और इसके लिए इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार आया, और ये स्थापना 28 दिसंबर 1875 को एक अंग्रेज अधिकारी ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय जो इसका सबसे पहले जो नाम था 1874 में इसका पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया, लेकिन दादाभाई नेहरू जी के कहने पर इसका नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 1875 को मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया, और प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्ष बने वो योगेश चंद्र बनर्जी थे, और इसके अंदर 72 लोगों ने भाग लिया। तो प्रथम अधिवेशन में जो भाग लेने वाले थे वो उनकी ये विशेषता थी कि वो सबके सब अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे और वकील थे, इसलिए शुरुआत में इसके ऊपर एक आरोप लगता है कि ये केवल अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों का और वकीलों का एक समूह है, लेकिन आगे आके हम देखते हैं कि ये इसकी स्वदेशीयता संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, और इसके ऊपर जो आक्षेप लगाया जाता है कि ये कुछ गिने चुने लोगों का संगठन है वो गलत साबित होता है। ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है ना, लेकिन इसके ऊपर सबसे बड़ा ये बात आती है कि जो अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना की, ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना क्यों की, इसके लिए वो कहते हैं कि हमने इसको ये सेंट्री बॉल के रूप में काम किया, क्योंकि ह्यूम का कहना था कि इस समय भारतीयों के अंदर एक क्रांति का माहौल है, भारतीय बहुत उग्र उत्साह में है और वो एक ऐसी क्रांति करेंगे जिससे कि ब्रिटिश साम्राज्य है वो गिर जाएगा। इसलिए उन्होंने जो तत्कालीन गवर्नर थे उनसे मिलकर के ये बात कही कि भारतीयों में जबरदस्त दबाव है, भारतीयों में जबरदस्त क्रांति करने की संभावना है, और इस क्रांति को
डिसमिस करने के लिए, इसको कम करने के लिए उन्होंने एक ऐसे संकट का निर्माण किया जिस पे वो बैठ करके बात करें और उनके अंदर जो क्रांतिकारी विचार है वो निकल जाए, वो उनको थोड़े बहुत सेटिस्फाइड हो गए। इसके लिए उसने कांग्रेस की स्थापना की, ठीक है ना। तो अंग्रेज कहते हैं कि हमने कांग्रेस की स्थापना एक सेफ्टी वॉल के रूप में की, जिस प्रकार से एक प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर के ऊपर एक अलग से सेफ्टी वॉल लगा होता है जो कि संकटकालीन अवस्था के अंदर वो सेफ्टी वॉल खुल जाता है और एक महाविस्फोट होना होता है वो उससे बच जाते हैं। उसी प्रकार एओब्यू ने कांग्रेस की स्थापना करके भारतीयों के अंदर जो एक विस्फोट होने वाला था, एक क्रांति होने वाली थी, उस क्रांति को एक तरह से वहीं पे दबा दिया और इस कांग्रेस की स्थापना करके उनको मंच देकर के और भारतीयों की जो भावनाएं उनको सुन करके और उन्होंने एक होने वाला एक बहुत बड़े संकट से भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य को उन्होंने बचाया। उनका ये कहना, अंग्रेजों का ये मत है कि हमने कांग्रेस की स्थापना एक सेफ्टी वॉल के रूप में की है, लेकिन अंग्रेजों को ये पता नहीं था कि भारतीय जिनको वो एक मंच दे रहे हैं कि भारतीय आगे जाकर के इतने शिक्षित और बुद्धिमान होंगे कि एक दिन यही संगठन तुम्हें भारत से बाहर खदेड़ने का काम करेंगे, ठीक है ना। तो भारतीयों का ये कहना था कि हमने, अगर आपने इसको सेफ्टी वॉल के रूप में काम किया है तो हमने कांग्रेस का प्रयोग एक तड़ित झंझावत के रूप में किया है। तड़ित झंझावत के रूप में जिस प्रकार से एक नया भवन बनाया जाता है, उस भवन के ऊपर एक तार ऊपर से लेकर के पृथ्वी में अर्थिंग किया जाता है ताकि ऊपर से जो गिरने वाली जो बिजली है वो बिजली भवन को नष्ट नहीं करे और जमीन में उसकी एनर्जी चली जाए। उसी प्रकार उन्होंने कहा कि भारतीय जो राजनीति है वो सेवा अवस्था में, युवा अवस्था में नहीं है, अभी बाल अवस्था में है और इसके ऊपर अंग्रेजी जो साम्राज्य की जो शक्ति है, अंग्रेजी साम्राज्य का जो विध्वंसात्मक शक्ति का प्रयोग तो करेंगे, उस शक्ति से बचने के लिए हमने ये राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की है और इसमें हमने अंग्रेजों को साथ में लिया ताकि अंग्रेजों को ये पता नहीं चले कि यही संगठन आगे जाकर के इनको भारत से खदेड़ने का काम करेंगे और भारतीय आज़ादी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ठीक है ना। तो भारतीयों का तत्कालीन जो विद्वान थे उन्होंने कहा कि ये हमने एक जनजात के रूप में इसका प्रयोग किया है ताकि भारतीय जो राजनीति है वो विध्वंस नहीं हो जाए अंग्रेजों की कुदृष्टि से, अंग्रेजों की जो शक्ति से, ताकि अंग्रेजी कहीं विध्वंसात्मक शक्ति का प्रयोग करके और भारतीयों की जो सेवा अवस्था की जो राजनीति है उसको कहीं नष्ट नहीं कर दे। तो ये इसके अंदर एक मिथक काम करता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था। अंग्रेज कहते हैं हमने सेफ्टी वॉल के रूप में काम लिया, तो वहीं भारतीय जो राष्ट्रीय नेता है वो कहते हैं कि हमने इनका एक तड़ित झंझावत के रूप में इसका प्रयोग किया, लेकिन जो भी था अंग्रेजों के द्वारा ही कांग्रेस की स्थापना हुई और यही कांग्रेस आगे जाकर के इतना विशाल रूप बनती है कि महात्मा गांधी द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है और भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो इन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही एक दिन अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने में सफल होती है।